हेलो गाई सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो फॉर टूडे द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिसकस दैट इज़ लीडरशिप सो ना लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंफ्लुएंस अदर पीपल इट मीन्स दैट द लीडरशिप इज़ द लीडरशिप होता क्या है कि जब एक कोई भी इंडिविजुअल है उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो दूसरे को अपनी उस एबिलिटी के बेस पे इन्फ्लुएंस कर लेगा कर सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप लीडरशिप एज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फॉलोअर वॉलेंट्रली विदाउट द यूज ऑफ़ द कोर्जन इसको इस डिफिनीशन को दिया था एफर्ट एंड ब्यूटी ने लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है कि हम लोग एक ग्रुप को जो ग्रुप हमको फॉलो करता है वॉल्ट्रली वो हमको फॉलो करे कोई उस पर कोई क्वेश्चन ना रहे बिना किसी दबाव के वो ग्रुप हमको फॉलो करे और एक डिजायरेबल एक्शन करे जो हम चाहते हैं जो लीडर चाहता है वो एक्शन एक ग्रुप ऑफ द पीपल जब करते हैं तो उनको हम तो उसको हम लीडरशिप बोलते हैं राइट नेक्स्ट विल टॉक अबाउट देयर इज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ द लीडरशिप इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्टूमलेटिंग ग्रुप मेंबर लीडरशिप इज ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विच विच एग्जिस्ट बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि लीडर और फॉलोअर दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में सोशल वैल्यूज़ में लाइक ऐसे एग्जिस्ट करता है ये वेन ए लीडर लीड ही सी सर्व ऑल्सो जब एक लीडर लीड lead करता है अपने ग्रुप को अपने ग्रुप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने मेंबर्स को तो सॉरी तो वहाँ उसका बस इतना ड्यूटी uh, नहीं होता है कि वो बस लीड करे वो अपने ग्रुप ऑफ द मेंबर्स को सर्व भी करता है ए लीडर हैज़ कमिटमेंट गुड जजमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन मेकिंग टाइमली डिसीजन एंड विलिंगनेस टू एक्ट एक गुड लीडर कब होता है कि वो कमिटमेंट देता है कि uh, हम लोग अपना काम इस डेट तक कंप्लीट कर लेंगे और गुड जजमेंट होता है एंड कॉन्फिडेंस होता है अपने डिसीजन को लेके कि येस आई एम राइट सो एक ये कॉन्फिडेंस जो होता है वो एक किसी भी इंडिविजुअल को लीडर बनाता है ए लीडर इज़ ए कंसर्ट अबाउट द गोल ऑफ फॉलोअर जो उसके फॉलोअर है अगर कोई एक लीडर है तो उसके जो भी फॉलोवर है वो उनके गोल को लेके गाइड करता है ताकि वो अच्छे से जल्दी से उसको अचीव कर सके विदाउट एनी डेविएशन जैसे कि एक टीचर ही है टीचर जो होता है वो एक तरह से क्या होता है लीडर होता है अगर किसी भी uh, क्लास का तो क्या करता है बच्चों को गाइड करता है कि कैसे वो अपने गोल को अचीव करे बिना डेविएट हुए तो वो होता है लीडर राइट देन वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर एक अच्छे लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक like, लाइंग डाउन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी वो अपने ग्रुप के लिए ऑब्जेक्टिव लाए ऑब्जेक्टिव uh, बनाएगा पॉलिसीज़ बनाएगा डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन वो रिएक्ट करेगा हर एक सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसका रिएक्शन अलग होगा और वो हर सिचुएशन के लिए फर्स्ट uh, आएगा मीन्स कि पहले ग्रुप से पहले उस तक सिचुएशन को फॉलो प्रॉब्लम uh, को सॉल्व करने की वो जिम्मेदारी लेगा कि पहले मैं सॉल्व करूँगा कैसे इसका ऑब्जेक्टिव है कैसे गोल है कैसे पॉलिसीज है कैसे स्ट्रेटजी है इसको सॉल्व करने की तो वो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एमंग लीडर एंड ग्रुप तो जो लीडर होता है उसके पास अथॉरिटी अगर ज़्यादा होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास ज्यादा होगी राइट सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एमंग लीडर एंड ग्रुप जो लीडर uh, होगा उसके पास अथॉरिटी अगर ज़्यादा है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है ग्रुप के पास उसके ग्रुप के पास अथॉरिटी थोड़ी थोड़ी कम है तो उसके पास uh, जो वर्क है वो भी थोड़ा कम रहेगा एज़ कंपेरिजन टू लीडर लीडर मोटिवेट द ग्रुप लीडर क्या करता है ग्रुप को मोटिवेट करता है किस में गोल को अचीव करने के लिए लीडर कोऑर्डिनेट विद ग्रुप लीडर क्या करता है कोऑर्डिनेट करता है ग्रुप के साथ टू अचीव द गोल जैसे कि हम लोग क्लास में भी देखते हैं एक क्लास में क्या होता है मॉनिटर रहता है उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो क्लास वालों से कोऑर्डिनेट करके चलता है ताकि वो गोल को अचीव कर सके तो वैसे ठीक वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर होता है जो अपने ग्रुप ऑफ द मेम्बर्स को कोऑर्डिनेट करके चलता है किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए राइट नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थियोरीज ऑफ लीडरशिप डिफरेंट थियोरीज हैज बीन गिवेन लाइक फर्स्ट थियोरी इज द ग्रेट मैन थियोरी वॉट इज दिस ग्रेट मैन थियोरी इट एज्यूम डेट द कैपेसिटी फॉर लीडरशिप इज इन इनहेरिटेड दैट ग्रेट लीडर्स और बॉन नॉट मेड जो ग्रेट मैन थियोरी थी इन इनका जब ये बिलीव करता है कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं वो बनाए नहीं मतलब बनाए नहीं जाते इनका ये बिलीव था कि जो ग्रेट मैन का कि जो आ, लीडर होते हैं वो बॉन्ड होते हैं मीन्स कि जब वो पैदा होते हैं तभी उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनको हम लोग मेड नहीं कर सकते हम लोग उनको बना नहीं सकते हैं सो so, ये था फिर ट्रेड थियोरी सेकेंड हम लोग बात करेंगे ट्रेड थियोरी ये क्या कहता है ये भी सेम वैसे ही कहता है कि जो क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप की वो ट्रेट में आती हैं लाइक इनहेरिटेंट होती हैं कि पेरेंट्स से बच्चे में आती हैं तो वो ट्रेट होती हैं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जब एक बेबी पैदा होता है तो उसके साथ ही वो क्वालिटीज़ रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ ठीक नेक्स्ट रूल टॉक अबाउट द कॉन्टीजें कॉन्टीजेंसी थियोरी कॉन्टीजेंसी थियोरी क्या होती है कि ये थियोरी कहती है कि नम नो लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट इन ऑल सिचुएशन सक्सेस डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ये कहती है कि जो सक्सेस होती है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है ये ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस सबको मिले तो लीडरशिप स्टाइल जो है वो हर एक सिचुएशन में वैरी करता रहता है तो ये हमारी कॉन्टीजेंसी थियोरी कहती है नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिचुएशनल थियोरी ये सिचुएशनल थियोरी क्या कहती है सिचुएशनल थियोरी ये कहती है इट प्रपोज दैट लीडर चूज़ द बेस्ट कॉज ऑफ एक्शन बेस्ड अपॉन सिचुएशनल वेरिएबल ये कहती है जो लीडर होता है वो बहुत सारे अगर वेरिएबल हैं अगर बहुत सारे एन नंबर ऑफ़ वेरिएबल हैं बहुत सारे वेरिएबल हैं तो लीडर क्या करता है उसमें से एक वेरिएबल को चूज करता है जो उस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं लाइक like, अगर हम लोग एग्जाम्पल दे समझाते हैं कि लाइक like, अगर हमारे पास बहुत सारे पेन हैं like, लाइक हमारे पास रेड पेन है हमारे पास येलो पेन है हमारे पास ब्लू पेन है और हमारे पास ब्लैक पेन है तो हमको लग रहा है अप्रोप्रिएट लग रहा है कि इस क्वेश्चन को इस आंसर को सॉल्व करने के लिए या फिर इस पेज पे लिखने के लिए बेस्ट जो है वो हमको येलो पेन पड़ेगा तो हम लोग येलो पेन को चूज़ करेंगे और येलो पेन से लिखेंगे राइट तो सिचुएशन पे बेस्ट करता है कि इस पेज पे कौन सा बेस्ट मार्कर है बेस्ट पेन कौन सा है जो हाईलाइट करेगा तो हमारे लिए अगर येलो है तो हम लोग येलो पेन से लिखेंगे राइट नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल थियोरी हमारा बिहेवियरल थियोरी क्या कहता है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न ये ठीक अपोजिट uh, करता है ये ठीक अपोजिट वर्क करता है uh, किस थियोरी के ग्रेट मैन थियोरी के ये कहता है नहीं जो लीडर होते हैं वो बॉर्न नहीं होते हैं उनको बनाया जाता है मिड होते हैं मतलब कि हम लोग उनको थ्रू आउट द लाइफ एक लीडर जो होता है वो बन सकता है theory ये ये करती है 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 क्या क्या कि कि कहती लीडर इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्रुप में एक लीडर क्या करता है कि पार्टिसिपेट करता है और ग्रुप को मोटिवेट करता है ये जो होगा वो ग्रुप को मोटिवेट करेगा क्या करने में पार्टिसिपेट करने में राइट पार्टिसिपेटिव थरी ये कहती है कि जो ग्रुप जो ग्रुप का लीडर होता है वो अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स को मोटिवेट करता है कि वो ग्रुप ऑफ़ मेंबर्स को मोटिवेट करता है पार्टिसिपेट करने के लिए राइट right? आई होप यू ऑल अंडरस्ट नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लीडरशिप स्टाइल के टाइप्स क्या क्या होते हैं सम कंपनीज ऑफर सेवरल लीडरशिप इस्टाइल विद इन दर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द नेसेसरी टास्क टू कम्प्लीट एंड डिपार्टमेंट नीट मीन्स की हर एक और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट अलग अलग लीडरशिप इस्टाइल को फॉलो करते हैं कोई कैसे टास्क को कम्प्लीट करना है क्या जरूरी है क्या नीड है उस डिपार्टमेंट की उस बेस पे हम लोग डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं नेक्स्ट वी वी वन बाई वन पहला आता है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या कहता है कि ये वर्क बाई करवाता है मीन्स कि जो भी प्रोसीजर्स हैं बुक बुक में जो दिए गए हमको वैसे ही फॉलो करने हैं ये क्या करता है वेरी राइट अप्रोच फॉर वर्क इन्वॉल्व इन द सीरियस सेफ्टी रिस्क मीन्स कि ये बहुत ही अपने वर्क को सीरियसली लेता है और ये वर्क बाई करवाता है सो हेयर इट इज़ गिवन वर्क बाई करवाता है नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक जो ने, सॉरी कैरिसमेटिक लीडरशिप कैरस्मेटिक लीडरशिप क्या होता है इट टू सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर रिलेशनशिप स्टाइल इन दैट लीडर ब्रिंग इन ह्यूज डोजेस ऑफ इंथम इन टू टीम मीन्स कि ये जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्या होता है एक मान लो अगर एक लीडर है ठीक सॉरी अगर कोई एक यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लाइक like, अगर यहाँ पे कोई एक लीडर है तो वो लीडर क्या करेगा अगर यहाँ पे कोई लीडर है तो वो लीडर क्या करता है कि अपने जो उसके ग्रुप ऑफ द मेंबर्स है मतलब जो भी उसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा एनर्जी और इंथुआसिजम देता है ताकि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छे से वर्क करें तो ये कैरिस्मेटिक स्टाइल है जिसमें एक लीडर अपने ग्रुप ऑफ़ द पीपल्स अपने ग्रुप ऑफ़ द मेंबर्स को एनर्जी देता है ताकि इंथुआसिजम देता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करें नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इसमें क्या होता है द लीडर एलोन डिटरमाइन पॉलिसी एंड मेक्स ए प्लांट ही टेल अदर्स वॉट टू डू हाउ टू डू लीडर डिमांड इट इज स्ट्रिक्ट ओबीडियंस एंड रिलाइज ऑन पावर्स मीन्स ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ये कहता है डू वॉट आई से और एल्स मतलब जो मैं कह रहा हूँ जो मैं कह रही हूँ वो तुम करो नहीं तो तो जो पॉलिसीज होती हैं जो रूल्स होते हैं जो स्ट्रेटजी होती है वो कौन बनाएगा लीडर बनाएगा अगर यहाँ पे एक लीडर है जैसे कि अगर यहाँ पे एक लीडर है तो वो जो पॉलिसी बनाएगा वो ये फॉलो करेगा उसका ग्रुप का मेंबर ये भी फॉलो करेगा सेम स्ट्रेटजी और जो नेक्स्ट होगा वो भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेगा तो जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है वो कहता है कि जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तुम वो फॉलो करो फिर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देख देख लेते हैं क्या एडवांटेज होता है फ़ास्ट डिसीजन मेकिंग इसमें डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं जैसे कि मान लो कि क्योंकि वहाँ पे हमारी ऑडियंस नहीं बोली हमारा ग्रुप ऑफ़ द मेंबर्स नहीं बोला एक ही इंसान है एक ही इंडिविजुअल है एक ही लीडर है जो कि हमारे डिसीजन लेता है तो फास्ट डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिसियंसी अब देखो जो प्रोडक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की और इफ़ीसिए होती है वो इम्प्रूव होती है क्योंकि जो एक लीडर है वो सो वो जो डिसीजन लेता right है ऑलमोस्ट राइट डिसीजन होते हैं और अगर वो स्ट्रिक्टली काम को विद इन सर्टेन टाइम अगर कंप्लीट करवा देता है विद इन लिमिटेड टाइम तो इससे प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है स्ट्रक्चर्ड एंड डिसप्लिन अप्रोच अगर कोई लीडर है वो अपने ग्रुप को एक स्ट्रिक्टली स्ट्रैटी देता है और उसके ही अनुसार उसको काम करने रहता है उसके ग्रुप ऑफ मेंबर्स को तो वो स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन अप्रोच बताता है कि डिसिप्लिन में रह सबको काम करना है क्लियर कम्युनिकेशन एक लीडर और ग्रुप ऑफ द मेंबर के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होता है कि व्हाट शुड डू व्हाट शुड नॉट डू विद इन सर्टेन टाइम वी हैव वेरी लेस टाइम देन वी आर व्हाट द स्ट्रेटेजी वी विल फॉलो हाउ टू डू व्हाट टू डू मींस ये जो होता है वो बहुत ही क्लियर होता है राइट दिन कंट्रोल जो लीडर होता है उसका फुल कंट्रोल होता है उसकी ग्रुप ऑफ मेंबर्स पे हेल्प इन क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे कि हम लीडर uh, जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए वो स्ट्रेटजी बनाता है वो गोल बनाता है वो सेट करता है प्लान को तो अब इसलिए अगर कोई क्राइसिस होगा तो वही मैनेज कर देगा नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है माइक्रो मैनेजमेंट मीन्स की बहुत ही मैनेजमेंट uh, बहुत ही माइक्रो लेवल पे वर्क करता है लाइक like, अगर ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़े ग्रुप का मेंबर रहेगा और उसका एक लीडर रहेगा तो उसका ग्रुप ऑफ मेंबर्स कुछ नहीं बोलेगा नहीं ये माइक्रो लेवल पे होता है लैक ऑफ क्रिएटिविटी लाइक अगर दस दिमाग काम करते हैं किसी काम के लिए तो अगर दस दिमाग काम कर रहे हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए तो सबके पास थोड़े 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 थोड़े, 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 थोड़े आइडियाज रहेंगे और वो मिलके एक कुछ अच्छा बनाएंगे कुछ अच्छी सोच बनाएंगे लेकिन तो अगर एक ही दिमाग रहेगा तो वो जो लीडर के पास जो रहेगा उसके दिमाग में जितना उसका दिमाग काम करेगा वो उस हिसाब से अपना काम करेगा राइट तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी होता है डिपेंडेबल सिस्टम मीन्स की जो आ, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं वो अपना दिमाग नहीं चलाते क्यों भाई क्यों हम काम करें अपने दिमाग से हमारा लीडर तो हमारे लिए डिसीजन ले रहा है हमारे लीडर तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव प्लान स्ट्रेटजी बनाएगा तो जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं वो अपने ही लीडर पे डिपेंड हो जाते हैं वो लीडर पर डिपेंड रहते हैं जो लीडर कहता है वो लोग वो फॉलो करते हैं राइट डिसक्रेज आइडियाज़ एंड इनपुट्स मीन्स जो भी जो ग्रुप ऑफ़ द मेम्बर्स अपने आइडियाज़ देते ही नहीं हैं लीडर को तो उनके जो आइडिया हैं वो उनके पास ही रहते हैं सो डिसेज आइडिया एंड इनपुट्स माइट अफेक्ट वर्क कल्चर निगेटिवली ये वर्क कल्चर को भी अफेक्ट करते हैं लाइक like, अगर ग्रुप ऑफ द मेम्बर्स जो हैं वो अलग ही अपना धुन बुन में रहते हैं जो बोलता है लीडर उनका वो फॉलो करते हैं तो ये वर्क कल्चर पे एक निगेटिवली इम्पैक्ट डालते हैं लेस रूम फॉर एम्प्लॉयज ग्रोथ मीन्स कि अगर एक लीडर है तो वो सारे डिसीजन लेगा वो प्लान करेगा वो स्ट्रेटजी बनाएगा तो यहाँ एम्प्लॉय का डेवलपमेंट क्या होगा डेवलपमेंट तो उसका जीरो होगा राइट right? उसका डेवलपमेंट जीरो होगा कुछ होगा ही नहीं तो यहाँ पे लेस रूम ऑफ एम्प्लॉय ग्रोथ होता है नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सो हियर वी वी गुरो डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है कि इन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप द इंटायर ग्रुप इज इन्वॉल्व एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गोल सेटिंग यहाँ पे क्या होता है लीडरशिप में इस लीडरशिप uh, स्टाइल में पूरा ग्रुप मींस इंटायर ग्रुप इन्वॉल्व होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है गोल सेट करता है और उसके सबॉर्डिनेट्स जितने भी होते हैं वो गोल की अचीवमेंट में हेल्प करते हैं द लीडर सो ग्रेटर कंसर्न फॉर हीज हर पीपल्स देन फॉर हाई प्रोडक्टिविटी जो उसका लीडर होता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा कंसर्न दिखाता है कि लाइक like, नहीं तुम ट्वेंटी फोर आवर वर्क क्यों करोगे तुम टेन आवर वर्क क्यों करोगे तुमको छुट्टी भी तो चाहिए तो वो जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप ऑफ द मेम्बर्स के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है दैन द प्रोडक्टिविटी इवन दो ए डेमोक्रेटिक लीडर विल मेक द फाइनल डिसीजन ही इन्वाइट अदर मेंबर्स ऑफ द टीम टू कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मींस कि भले ही जो लीडर है वो डिसीजन लेगा लेकिन जो उसकी ग्रुप ऑफ द पीपल्स है ग्रुप ऑफ द मेंबर्स मेम्बर्स ग्रुप ऑफ द सबॉर्डिनेट है वो उनको बोलेगा कि आप भी डिसीजन प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेशन करो जो इसके भी एज वी नो दैट द एवरीथिंग हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स सो हियर इट इज Uh, the advantage is high productivity. एन एंगेजमेंट मीन्स कि इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ऑडियंस इसमें इंगेज रहती है उसमें सब ऑर्डिनेट्स इंगेज होते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मीन्स कि सबका दिमाग लगेगा तो सब एक अलग ही क्रिएटिविटी आएगी एंड इनोवेशन होता है लो एब्सेंटिज्म मीन्स कि अगर हमको पता हर एक एम्प्लॉय को पता है कि हमको डेली जाना है हमको उसको इंटरेस्ट आएगा कि उसको लीडरशिप को बताना लीडर को बताना है कि ऐसे वर्क करना है कि सही होगा कि नहीं होगा क्या होगा वॉट वी वी हैव

फिर म्यूचुअल ट्रस्ट यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय को ट्रस्ट होता है होता है लीडर पे लीडर को ट्रस्ट होता है एम्प्लॉय पे कि लीडर हमारा कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो एम्प्लॉय के फेवर में नहीं है और और लीडर को ये ट्रस्ट रहता है एम्प्लॉय पे कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो बेस्ट काम करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव आउटपुट मिल सके फिर है कौन इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं स्टैगनेशन यह है कि स्टैगनेट रहता है मतलब कि चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है कि एक एक ही तरह से रहता है स्टैगनेट रहता है ठहराव रहता है इसमें स्लो डिसीज़न प्रोसेस इसका डिसीजन प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो होता है मीन्स कि कभी एक एम्प्लॉय कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है फिर लीडर का कुछ अलग विचार रहता है तो वो धीरे धीरे एक डिसीजन पे पहुंचते हैं टाइम कंज्यूमिंग ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लाइक तुम अपने आइडिया दो तुम अपने आइडिया दो पचास आइडिया मिलते हैं फिर उसमें से किसी एक आइडिया को चूज़ करते हैं अच्छा ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी प्लान को अचीव करने के लिए तो ये होता है पीपल मे फील रिजेक्टेड अगर भाई दस लोग अपने आइडिया दे रहे हो अगर उसमें एक ही की आइडिया एक ही की स्ट्रेटजी तो हम लोग फॉलो करेंगे उस उस गोल को अचीव करने के लिए तो जो नौ के आइडिया रहेंगे वो तो रिजेक्ट होंगे तो पीपल जो होते हैं जो इम्प्लॉय होते हैं वो रिजेक्टेड फील करते हैं लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इज़ एन ऑब्स्टिकल लाइक उसमें कोई एक्सपर्टाइज़ नहीं होता है लाइक दस लोग हैं अपना अलग अलग आइडिया देंगे उसके में एक चूज़ करेंगे तो कोई एक्सपर्ट एक्सपर्ट तो बन नहीं सकता हो सके कोई अगले पहला जो पहले जिसकी स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो किए हो सके दूसरा कोई और बंदा कोई और एम्प्लॉयज़ हमको अपनी स्ट्रेटजी बताए प्लान को अचीव करने के लिए तो हम सबकी सबको हम नहीं ले सकते वहाँ पे और एक बंदे को भी नहीं ले ले सकते वहाँ पे तो कोई किसी को वहाँ एक्सपर्टाइजमेंट नहीं मिलता है नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्री रेन जिसको डेलीगेटिव लीडरशिप बोलते हैं इसमें क्या होता है इट ऑफर ए लिटिल और नो गाइडेंस टू ग्रुप मेम्बर्स इसमें जो लीडर होता है वो बहुत कम गाइड करता है अपने ग्रुप मेंबर्स को या करता ही नहीं है वो जो होता है वो सारे डिसीजन को अपने ग्रुप मेंबर्स को भी में छोड़ देता है तुमको भाई जो करना है वो तुम करो तुमको जो डिसीजन लेना है जैसे भी प्लान गोल को अचीव करना है वैसे तुम अपने गोल को अचीव करो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मटेरियल प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अपने टीम को ताकि वो ऑब्जेक्टिव तक पहुँच सके लाइक होते हैं जैसे कि हम लोग स्कूल में ही या फिर देखते हैं या फिर क्लास में ही देखते हैं कुछ टीचर होते हैं वो हम लोग को कंटेंट दे देते हैं हम लोग को पी दे, दे देंगे हम लोग को स्लाइड्स दे देंगे हम लोग को अपना नोट्स दे देंगे लेकिन तो वो हम लोग को पढ़ाएंगे नहीं हम लोग को मोटिवेट लो नहीं करेंगे हम लोग को इनक्रेज नहीं करेंगे हम लोग को बात नहीं बताएंगी कैसे हम लोग अपने ज़्यादा मार्क्स लाएं तो वो लोग बस सारे अपना जो भी मटेरियल रहता है वो दे देते हैं वैसे इसमें होता है कि वो इंफॉर्मेशन दे देगा अपना मटेरियल दे, दे देगा अपनी फैसिलिटी दे, दे देगा लेकिन तो गोल को अचीव करने के लिए लेकिन तो वो गाइड uh, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा राइट सो देर इज सर्टेन एडवांटेज एंड सो हियर वी गो एडवांटेज इज लॉयल्टी एंड कमिटमेंट लॉयल्टी होती है और कमिटमेंट होती है वर्कर साब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी वर्कर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो लोग फ्लेक्सीबल होते हैं वर्कर कैन यूज यूज स्किल टू द फुल डिसीजन जैसे कि वर्कर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय होते हैं वो अपने स्किल को एक बेटर वे में यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है नो डायरेक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट मैनेजमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्कस मींस कि बिटवीन वर्कर्स वर्कर्स के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन होता है कि अगर कोई बिना गाइडेंस के वर्क करेगा तो क्या कोऑर्डिनेशन होगा सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज मतलब आइडियाज़ के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं uh, मतलब कुछ कोई एक मेंबर कुछ और कहता है दूसरा सब ऑर्डिनेट कहता है तीसरा सबॉर्डिनेट ऑर्डिनेट कुछ और कहता है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लीडरशिप डेलीगेटिव लीडरशिप एक्टिविटीज ऑफ डेलीगेटिव लीडरशिप इज डायरेक्टिंग सुपरवाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग सो हियर इट इज़ डायरेक्ट मीन्स कि अपने ग्रुप को डायरेक्ट करना सुपरवाइज करना और कोऑर्डिनेट करना ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो मेनली लीडर फॉलो करता है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच प्लीज़ 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 इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन योर डाउट्स इन योर कॉमेंट बॉक्स थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब